दिल्ली के अस्पतालों में और मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों के अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा की जाती है, जिसको सीपीए कहा जाता है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। दिल्ली सरकार के अंदर दशकों से सीपीए जो है दवाइयों की प्रोक्योरमेंट करती है। दीपक कुमार और डॉक्टर नूतन मुंडेजा को सस्पेंड कर दिया जाए और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। अब तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब खुद विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया। केंद्र सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही खत्म कर दी है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू मी, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर। मंत्री के प्रति उनकी जवाबदेही ही नहीं है। थैंक यू केंद्र सरकार। हेल्थ मिनिस्टर बना तब से कई सारी मीटिंग्स हमारी हेल्थ सेक्रेटरी, डीजीएचएस आदि हेल्थ के अधिकारियों के साथ हुई है। मुझे लगता है कि कम से कम भी तो बताऊं तो 50-60 मीटिंग्स हुई होंगी। उन मीटिंग्स के अंदर कई सारे फैसले और डायरेक्शंस ली गई और वो डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को दी गई। मुख्यतः हेल्थ सेक्रेटरी को दी जाती है क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाते हैं, जो हेल्थ के हेड कहलाते हैं, मिस्टर दीपक कुमार। मैं आपको तथ्यों के साथ दिखाना चाहूंगा कि उन डायरेक्शंस के बारे में उनको बाकायदा यूओ नोट भेजे गए, मीटिंग्स के मिनट्स भेजे गए, बाकायदा एक्शन आइटम्स भेजे गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक एक स्पेसिफिक चीज भेजी गई, आपको ये सारी कार्रवाई करनी है। उसके ऊपर अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसके बाद कई बार ये लेटर भी भेजा गया है कि आपको जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पे जो आपने एक्शन किया उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए, ये आपके सामने है। इसका भी जवाब अभी तक जो है हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने नहीं दिया है। इसके अंदर एक और अच्छी बात है, मार्च में मैं जब हेल्थ सेक्रेटरी बना, मार्च में ही एक मीटिंग करके 21 मार्च 2023 को यह कहा गया टू एक्सपीडाइट द ऑडिट ऑफ ऑल द परचेजेस, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स एंड इक्विपमेंट्स मेड बाय द हॉस्पिटल्स एंड डीजीएचएस ऑन देयर ओन एज डिसाइडेड इन द मीटिंग ऑन 21/3/2023। 21 मार्च की मीटिंग में हमने कहा कि ये सारी जो दवाइयां और कंज्यूमेबल हैं इसकी एक ऑडिट कराई जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए। इसकी ऑडिट की डायरेक्शंस को भी हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी तक नहीं माना है। अब बात आती है कि वो जो दवाइयां हैं वो खरीदी कैसी जाती हैं अस्पतालों के अंदर, दिल्ली के अस्पतालों में और मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों के अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा की जाती है, जिसको सीपीए कहा जाता है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। दिल्ली सरकार के अंदर दशकों से सीपीए जो है दवाइयों की प्रोक्योरमेंट करता है और इस सीपीए को जो हेड करते हैं वो होते हैं डीजीएचएस, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभाग की होती है वो होती है हेल्थ सेक्रेटरी की, जो कि है मिस्टर एसबी दीपक कुमार। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है, नकली दवाइयां आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई आपको पता चल गया भ्रष्टाचार है, आपको पता चल गया सैंपल फेल हो गए हैं, आपको पता चल गया ये अधिकारी जिम्मेदार है, इसकी ये जवाबदेही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हमने तो आज से 2 हफ्ते पहले इन दोनों अधिकारियों के विषय में 23/10/2023, अब तो महीना हो गया, आज से पूरा एक महीना पहले 23/10/2023 को
माननीय उपराज्यपाल जी को अपने मुख्यमंत्री जी के रास्ते ये सिफारिश की हुई है कि इन दोनों ही अधिकारियों को एसबी दीपक कुमार और डॉक्टर नूतन मुंडेजा को सस्पेंड कर दिया जाए और इनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। अब तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जब खुद विभाग के मंत्री ने सिफारिश कर रखी है कि इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, तो केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों बैठी हुई है? आज मैं दोबारा से विभाग के मंत्री होने के नाते सिफारिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ, आप कह रहे हैं कि दवाइयां गड़बड़ थी, ये अधिकारी उसके जिम्मेदार हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई करने की ताकत तो आपके पास ही है, आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? दूसरी बात, आज की तारीख में मैंने आपको बताया अफसर को आप डायरेक्शंस दे सकते हैं, वो माने ना माने उसकी मर्जी है। मैंने मौखिक और लिखित एक नहीं दर्जनों डायरेक्शंस इन अधिकारियों को दी हैं। इन दवाइयों के ऑडिट के विषय में स्पेसिफिक मैंने आपको दिखाया, 21 मार्च 2023 में मैंने डायरेक्शन दी है और वो डायरेक्शन पूरी नहीं हुई उसका रिमाइंडर दोबारा से मैंने उनको लिखित में जुलाई में दिया कि भैया इसका क्या हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट दो, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो अधिकारियों की जवाबदेही तो केंद्र सरकार ने खत्म की है, केंद्र सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही खत्म कर दी है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू मी, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर, मंत्री के प्रति उनकी जवाबदेही ही नहीं है। थैंक यू केंद्र सरकार, तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए और उनसे पूछिए जिनके प्रति उनकी जवाबदेही है। अब यह कहना कि भाई साहब भ्रष्टाचार हो रहा था, मंत्री मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे, अरे जो अफसर हमारी मीटिंग में हमारी डायरेक्शन नहीं सुन रहा उसको मैं कहता हूं, आपने देखा होगा पिछले 3 हफ्ते से मैं रोज जो है अस्पतालों के अंदर जाता हूं, सरप्राइज इंस्पेक्शन करता हूं। सरप्राइज इंस्पेक्शन के अंदर मैंने हर बार स्वास्थ्य सचिव को कहा कि आप इस इंस्पेक्शन में आ जाइए, एक में भी अगर आए हो तो आप बता दीजिए। पिछले 3 हफ्ते से तो आप रोग देखते हैं कि रोज हम ट्विटर के अंदर वीडियो डालते हैं, एक इंस्पेक्शन पर स्वास्थ्य सचिव नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं है। उनको पता कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेगा, बुला ही सकता है, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। मैंने दिल्ली के सभी अस्पतालों की एक एक अस्पताल की इंडिविजुअल मीटिंग की अपने सचिवालय के अंदर, एक एक अस्पताल के एक एक डिपार्टमेंट के हेड को बुलाया गया, हर अस्पताल के हर विभाग की इंडिविजुअल मीटिंग डेढ़ डेढ़ घंटे चली, कौन सा विभाग कैसा काम कर रहा है, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, कितनी ओपीडी है, क्यों ओपीडी किसी कम है, क्यों किसी के ऑपरेशन कम है, ऑपरेशन थिएटर में क्या दिक्कत है, हर मीटिंग में। हमारे यहां 32 अस्पताल हैं, करीब 3 दर्जन माना जा सकता है। हर मीटिंग के अंदर स्वास्थ्य सचिव को कहा गया कि आप आइए, आप हैरान होंगे, एक भी अस्पताल की मीटिंग के अंदर स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार नहीं आए, एक भी मीटिंग में नहीं आए। अब आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जवाबदेही जो है वो हमारे प्रति नहीं, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति नहीं, केंद्र सरकार के प्रति है। तो केंद्र सरकार करे कार्रवाई, केंद्र सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है भाई? अगर अब आप ये कहें कि मैं दवाई उठा के मैं खुद जो है उसको टेस्ट करूं, भाई मेरे पास तो टेस्टिंग के इक्विपमेंट भी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता है काम, मैं तो डायरेक्शन दे सकता हूं, मौखिक दे सकता हूं, लिखित दे सकता हूं, मौखिक भी दे दी, लिखित भी दे दी, और ये बता सकता हूं कि ये अधिकारी काम नहीं कर रहे, इनके ऊपर एक्शन ले लो। आपने उन पर एक्शन भी नहीं लिया, 1 महीना हो गया, मैंने तो लिखित में दे रखा है, मुख्यमंत्री जी ने लिखित में एलजी साहब को दे रखा है, एलजी साहब कार्रवाई नहीं करना चाहते, अब कर ले।